Hello plant lovers, here is Rahul Rao from Horticulture Rejuvenation. I'm back again and this time with Jasmine Sambac, जिसे मोगरा भी कहते हैं, अरेबियन जैस्मिन के नाम से फेमस है. आज हम इसकी केयरिंग देखेंगे, हाउ टू केयर दिस प्लांट. लेट्स सी. अगर मोगरा का नाम सामने आता है दिमाग में तो एक चीज़ ज़रूर आती है कि इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी एरोमा बहुत ही ज़्यादा रहती है. अगर एक दो फ्लावर भी खिले प्लांट में तो ये बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा स्मेल करते हैं. अगर पांच छह फ्लावर एक साथ खिल गए तो ये काफ़ी इंटेंसिटी के साथ स्मेल करते हैं. तो वन ऑफ द रीज़न दिस प्लांट इज़ वेरी फेमस बिकॉज ऑफ दिस फ्रेग्रेंस. इसकी केयर पे देखें तो इसको सनलाइट कितना चाहिए, तो मैं काफ़ी बार ये कह चुका हूँ कि सीजनल वाइज वेरी करता है सनलाइट. सब प्लांट को उतना केयर नहीं चाहिए रहता है सनलाइट के रिगार्डिंग, बट कुछ प्लांट को आपको ध्यान रखना है. जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट है तो आई से दैट इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए रहती है. जैसे समर की बात करें तो कई जगह इंडिया में जो टेम्परेचर है वो कई जगह 40 प्लस जाता है और कई जगह नहीं जाता है. तो मैं जहाँ 40 प्लस जाता है वहाँ तो ये बोलूँगा कि आप 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दीजिए, मॉर्निंग की दीजिए या इवनिंग की दीजिए, नून की अवॉइड कीजिए. अगर 40 के नीचे रहता है, उतना इंटेंसिटी नहीं है सनलाइट, टेम्परेचर मॉडरेट है, तो आप इसे 4-5 घंटा भी दे देते हैं तो चल जाता है. तो एक चीज़ ध्यान रखना है समर के टाइम पे, क्योंकि ये विंटर्स में जाते हैं डॉर्मेंसी पे, तो विंटर्स में तो आपको ज़्यादा, अगर आप थोड़ा शेड में रखिए, आउटडोर में अवॉइड करिए, क्योंकि आउटडोर में जो टेम्परेचर है काफ़ी नीचे चले जाता है. तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसा कंडीशन में नहीं रखना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो. अगर मॉडरेट ठंड है तो चलता है, जैसे कि दिल्ली में जो ठंड है वो 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है, और इवन हम रायपुर में भी देखें तो 10 डिग्रीज की तक पहुँच जाता है. तो ऐसे कंडीशन में आपको एकदम आउटडोर में नहीं रखना है, नहीं तो प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. उस कंडीशन में सनलाइट क्या चाहिए, आई से दैट शेड में रखिए जहाँ पे 2-3 घंटे की सनलाइट आ जाए, सनलाइट मिलती रहे, पर थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रखना है विंटर्स में. तो समर की बात करें हम कि 2-3 घंटे की आप सनलाइट दीजिए डायरेक्ट, और बाकी दिन आप ब्राइट सनलाइट में रखिए, या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट मिलते रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है. 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट, रेस्ट ऑफ द डे इनडायरेक्ट सनलाइट. और विंटर्स की हम बात किए हैं, उसके बाद अगर मैं मानसून पे आऊँ, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, जुलाई एंटर कर चुका है, तो आई से दैट मानसून में और एक चीज़ इस प्लांट के लिए बहुत ही फेवरेबल लगी है कि मैं ऐसे पोजीशन पे रखता हूँ जहाँ पे 4-5 घंटे की अभी सनलाइट मिल रही है, वो साइड से निकलते हुए चले जाता है सनलाइट, मतलब पूरे पॉट में नहीं पड़ता है, इतने पार्ट में सनलाइट पड़ता होगा और साइड से निकल जाता है. 4-5 घंटे की सनलाइट मिलती होगी, काफ़ी क्लाउडी भी रहता है, तो एक मॉडरेट सनलाइट चाहिए रहता है. बहुत ज़्यादा सनलाइट में स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि मैं 2-2.5 साल से इस प्लांट को देख रहा हूँ. इसमें वाइट फ्लाइज भी बहुत आते हैं. इसको आप एक चीज़ और है कि इसे आप नीम ऑयल जो है सोप वाटर के साथ स्प्रे करते रहिए 15-20 दिन में, तो अच्छे रहते हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड भी डालते रहेंगे तो अच्छे रहेंगे. तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं प्रोवाइड करना है, ये स्ट्रेस हो जाते हैं. तो एक मॉडरेट वे में सनलाइट प्रोवाइड करिए, और नीम ऑयल प्लस सोप वाटर इसे स्प्रे करते रहिए ताकि वाइट फ्लाइज ना आए. वाइट फ्लाइज इसमें काफ़ी आ जाते हैं, कई बार देखा हूँ मैं, क्वेरीज भी आई है काफ़ी वाइट फ्लाइज के बारे में, तो अब वाइट फ्लाइज का ध्यान रख सकते हैं. नीम ऑयल नहीं भी यूज़ करना है तो कम से कम सोप वाटर से इसे एक बार स्प्रे करते रहिए 15-20 दिन में. हेल्दी रहते हैं ज़्यादातर, तो मैं तब बोलूँगा जब ग्रोइंग पीरियड में है, क्योंकि फ्लावर करना है, फ्लावर आएंगे तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है. उसके बाद हम आते हैं इसकी वाटरिंग पे. तो वाटरिंग कैसे देना है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये विंटर्स में जाते हैं डॉर्मेंसी में, तो डॉर्मेंसी में एक चीज़ है कि इसको 1 इंच डीप चेक करके दीजिए आप विंटर्स में पानी, क्योंकि ये ग्रो नहीं करेंगे विंटर्स में, ग्रोइंग पीरियड में नहीं रहेंगे तो ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करेंगे. तो आप 1 इंच डीप चेक करके दीजिए विंटर्स में, और जो ग्रोइंग पीरियड आता है ये स्प्रिंग से आपको ये ग्रो करना चालू करेंगे, तो मैं ये बोलूँगा कि 1/2 इंच चेक करके दीजिए इसे वाटर. बहुत ज़्यादा सॉगी स्टेट में नहीं देना है, इनको थोड़ा सा ड्राई रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको एक मिडिल वे रहता है कई प्लांट के लिए, कि क्योंकि बात ये है कि जब मैं गार्डनिंग स्टार्ट किया था तो एक चीज़ होती थी कि मैं उतना ध्यान नहीं देता था वाटरिंग पे, पर एज आई हैव ग्रोन एज अ गार्डनर व्हाट आई हैव सीन दैट वाटरिंग प्लेज रियली बिग रोल इन प्लांट्स ग्रोथ, क्योंकि प्लांट ग्रोइंग के लिए
वन ऑफ द रीज़न इज़ जैसे कि आपको खाना चाहिए रहता है, आपको आप भी देखे होंगे कि आपकी बॉडी के लिए वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है। अब दिन भर में कितने बार पानी पीते होंगे और अगर आप नहीं पियेंगे तो क्या होगा। तो इस वे में अगर आप देखें तो प्लांट्स के साथ भी कहीं ना कहीं वैसे ही है। तो आपको पानी देना है, आपको पानी स्किप नहीं करना है। जैसे कि अभी मैं आई रियली मिस वाटरिंग, जब से मैं रेगुलर हुआ हूँ, जब से मैंने चीज़ समझा है, मैं पानी इनको देना मेरे लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कोई भी कंडीशन हो, हैव टू वाटर इट। तो आपको एक चीज़ समझना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हेल्दी रहे, सही से ग्रो करे, तो आप इन्हें पानी दीजिए, अच्छा सही वे में पानी दीजिए, पानी का ध्यान रखिए। तो इन्हें ड्राई नहीं छोड़ना है। तो वन ऑफ द पर्पस आई एम सेइंग दैट यू डोंट हैव टू लीव इट टू मच ड्राई, क्योंकि अगर आप सही वाटरिंग नहीं करेंगे, सही सनलाइट नहीं देंगे, तो बग्स आते हैं, आपको मिली बग मिल जाएंगे या फिर आपको वाइट फ्लाइज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वाटरिंग का ध्यान रखना है। विंटर में आप 1 इंच चेक करके दीजिए, सॉरी फॉर दैट साउंड, आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है, आपको विंटर्स में 1 इंच चेक करके देना है। और जैसे कि बाकी सीज़न है उसमें 1/2 इंच चेक करके दे सकते हैं। सॉगी में नहीं देना है, थोड़ा ड्राई हो जाए तो देना है। और एक और चीज़ मैं इसकी बताना चाहूँगा कि इसे एसिडिक सॉइल पसंद है, तो इसे फर्टिलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे फर्टिलाइज़ करिए ग्रोइंग पीरियड से, मैं तो बोलूँगा स्प्रिंग में आपको दिखेगा कि ये ग्रो करना चालू किए हैं, तो कुछ टाइम बाद आप फर्टिलाइज़ करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये रेगुलर फ्लावर खिल रहे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ कम से कम 2, 3, 4, 5, 6 फ्लावर तो एटलीस्ट हैं और रेगुलर खिल रहे हैं, 2-3 तो खिलते ही हैं। आप बहुत इन्जॉय करेंगे अगर ये प्लांट अच्छे से रहेगा। तो आप रेगुलर फर्टिलाइज़ करिए, एसिडिक सॉइल इसे पसंद है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं करेंगे सही से, आपको बग्स भी मिलेंगे मैंने कहा। और फ्लावर्स नहीं खिलने का वन ऑफ द कारण है कि आप कुछ भी, आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल लीजिए, अगर आप ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं जो सॉइल को एसिडिक बनाए, तो नहीं करेगा ये फ्लावर, नहीं करेंगे। पीएच वैल्यू जो है सॉइल की बहुत ज़्यादा मैटर करती है फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा एसिडिक स्टेट पसंद है। तो आप ऐसा फर्टिलाइज़र डालिए जो थोड़ा एसिडिक बनाता है। और मैंने इंस्टाग्राम में शेयर किया था कि वर्मी कंपोस्ट प्लस बोन मील प्लस मस्टर्ड फर्टिलाइज़र का एक मिक्स फर्टिलाइज़र बना लीजिए, और बीच में 15-20 दिन में आप फीड करते रहिए इसे। स्प्रिंग के बाद से तो मैं बोलूँगा फीड करेंगे तो आपको फ्लावर मिलेंगे, तो अगर आप सही केयर करेंगे तो फ्लावर मिलेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्लांट आपको अच्छा नहीं मिलता है, कई बार स्ट्रगल करने के बाद प्लांट रिवाइव नहीं करते हैं, तो उस स्टेट में भी समझने वाली बात है कि कई बार प्लांट सही नहीं जा रहे होते हैं। तो आप एफर्ट कितना भी डाल लीजिए, वो प्लांट नहीं उतना अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आप दूसरा प्लांट ला के भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है प्लांट को समझने के लिए, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं बाद में आऊँगा। क्योंकि अगर फ्लावर कर रहा है, आप सब चीज़ कर लिए हैं, कई बार होता है आप काफ़ी सारी चीज़ कर लिए हैं फिर भी फ्लावर नहीं सही से ग्रो हो रहे हैं, तो आप बेसिक्स में स्टिक करिए। अगर नहीं होता है तो आप दूसरा भी प्लांट ले आइए। तो व्हाट आई वांट इज़ कि आप डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि गार्डनिंग में काफ़ी होता है ये चीज़ कि डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो आपको समझना है ये चीज़, तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। और मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स। अगर आपको कुछ है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। जैस्मिन की काफ़ी सारी स्पीशीज़ आती है, जैसे कि जैस्मिन ऑफिसिनेल हो गया। तो क्या है, सबकी कंडीशंस थोड़ी अलग है, कुछ फ्रॉस्ट टेंडर रोथ होते हैं, कुछ थोड़े हार्डी भी हो जाते हैं, पर सब नहीं होते हैं। ये बहुत जल्दी डॉर्मेंसी पे चले जाते हैं, ज़्यादा लो टेम्परेचर सहते नहीं हैं। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रख सकते हैं। दिस इज़ द केयर ऑफ मोगरा। अगर कुछ चीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर इट, लाइक इट एंड मोटिवेट मी सो आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू अबाउट प्लांट्स। सो दिस वॉज द केयर ऑफ मोगरा, एंड इफ देर इज़ समथिंग यू कैन शेयर इन कमेंट्स। Thank you for watching. Have a nice day.